डरने वाले नहीं है। इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे, हम लोग हार नहीं मानेंगे। जब तक हम लोग को नियमित करते हुए समान कार्य का समान वेतन नहीं मिलेगा, इससे भी ज्यादा हम लोग जुलूस निकालेंगे और इसको जारी रखेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और रहेंगे। जब दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता है, हम लोग का संभव नहीं है बना पाना अटेंडेंस हम लोग का उतना दूर, और जो एक ही जगह पर दो कर्मी कार्य कर रहे हैं नियमित और संविदा, तो दोनों के साथ दो तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? कार्यस्थल पर आप जो उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, यह उपस्थिति हमें स्वीकार्य नहीं है। इस उपस्थिति पर अविलंब रोक लगाया जाए, जैसे पूर्व से उपस्थिति का प्रावधान था उस उपस्थिति को लागू किया जाए। आग नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। मंगल पांडे खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ बाल मुकुंद। आज भागलपुर जिला इसी स्लोगन से गूंज उठी। हम आपको बता दें कि पिछले एक माह से NHM के NMR कर्मी द्वारा लगातार सरकार से मांगे कर रही है, अपनी कुछ मांगों को लेकर के लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। लगातार उनके द्वारा प्रतिरोध मार्च भी निकाला जा रहा है, कभी जिला के जिला स्वास्थ्य समिति में अपनी प्रतिरोध मार्च को सुनिश्चित करते हैं, कहीं कभी जिला स्वास्थ्य समिति से लेकर के सिविल सर्जन का घेराव करते हैं। आज भागलपुर के कंबाइंड बिल्डिंग से NHMR के NMR कर्मियों द्वारा अपना प्रतिरोध मार्च मशाल जुलूस के साथ साथ कैंडल मार्च के साथ निकाला गया, जो कि कंबाइंड बिल्डिंग होते हुए घंटाघर चौक होते हुए भागलपुर स्टेशन चौक पर जाकर के अपनी मशाल जुलूस को वहां पे अंत किया गया। उनके द्वारा साफ कहना था, हम लोग किसी चीज़ से डरने वाले नहीं हैं, सरकार हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको माने, नहीं तो आगे और भी ज़्यादा प्रतिरोध मार्च होगा और भी ज़्यादा हम लोगों का आंदोलन उग्र होगा। वहीं हम वहीं पे गोप गुट के कुछ सहयोगी उनके साथ भी मौजूद थे, उनके द्वारा भी बताया गया कि इन लोगों की जायज़ मांगे हैं कि फेशियल अटेंडेंस जो लगातार 3 बार देने की बात कहा जा रहा है, तो वो इन लोगों के साथ समस्याएं होंगी, इंटरनेट नहीं रहेगा सुदूर गाँवों में तो किस तरीका से अटेंडेंस या फेशियल अटेंडेंस देंगे। साथ ही साथ इन लोगों का यह भी कहना था कि हम लोगों जब समान काम कर रहे हैं तो हम लोगों की समान वेतन होना चाहिए। हम आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव के द्वारा भी इन लोगों की मांगे को जायज़ बताया गया था, लेकिन अभी तक फिलहाल सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है। हम आपको उन सारी वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं कि NMR कर्मियों द्वारा क्या कह रहे हैं और किस तरीका से उन लोगों में उग्र रूप धारण किए हुए हैं। लगातार प्रोटेस्ट जारी है कि हम अपनी मांगों को लेकर, पिछले एक माह हो गई है, जिससे कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लगातार आम पब्लिकों को परेशानियां हो रही है, कहीं तो उपकेंद्र पे दवाई नहीं मिल रही है, RI में समस्याएं हो रही हैं, इस तरह से सरकार के कई कामें बाधित हो गई हैं और जनता को भी कभी ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन सारी वीडियो के साथ आपको छोड़ जाते हैं कि क्या कहना है NMR का। अभी तक कोई हम लोग के बात पे सुनवाई नहीं कर रही है, अभी तक हम लोग के बात का कोई सुनवाई नहीं लिया गया है। हम लोग को दूर दराज क्षेत्रों में जाना पड़ता है, हम लोग का संभव नहीं है बना पाना अटेंडेंस हम लोग का उतना दूर, और जो एक ही जगह पर दो कर्मी कार्य कर रहे हैं नियमित और संविदा, तो दोनों के साथ दो तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अगर अटेंडेंस बनवाना ही है तो दोनों का बनवाइए, समान कार्य का समान वेतन दीजिए। आगे आप क्या बताइए? हाँ होगा, इससे भी ज्यादा उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे, हम लोग हार नहीं मानेंगे। जब तक हम लोग को नियमित करते हुए समान कार्य का समान वेतन नहीं मिलेगा, इससे भी ज्यादा हम लोग जुलूस निकालेंगे और इसको जारी रखेंगे। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और रहेंगे जब तक हमारी किसी तरह की बातें हुई है। नहीं, अभी तक हम लोग की कोई बात नहीं हुई है, सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। ये हड़ताल जारी रहेगा अनिश्चितकालीन। हमारी मांगे जायज है, इसे पूरा करने के लिए सरकार को हमारी मांगों को सुनना पड़ेगा। NMR के द्वारा विगत 8 जुलाई से यह आंदोलन जो है जारी है। हम लोगों का
सरकार से कहना है कि आपके द्वारा जो फ्रेश अटेंडेंस के नाम पर सुदूर इलाका में जहां कार्यस्थल है वहां से उपस्थिति बना के पुनः दूसरे जगह आप कार्य करने के लिए भेजते हैं और वहां से जाकर पुनः कार्यस्थल पर आप जो उपस्थिति दर्ज करवाते हैं यह उपस्थिति हमें स्वीकार्य नहीं है। इस उपस्थिति पर अविलंब रोक लगाया जाए, जैसे पूर्व से उपस्थिति का प्रावधान था उस उपस्थिति को लागू किया जाए। दूसरा है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए, चूँकि हमें जो है मात्र जो है 10,500 रुपये जो है अभी भुगतान किया जाता है। किसी को जो है मधुबनी जिला का, किसी पूर्वी चंपारण जिले के लोगों को जो है भागलपुर में दे दिया है, भागलपुर के लोगों को जो है पटना, नवादा, यानी अपने घरों से जो है उसको दूर भी भेज दिया गया है और उसको रहने की भी व्यवस्था नहीं की गई है। उसके लिए इतने कम राशि में आप दूर दराज के इलाके में कार्य करवाते हैं तो उन्हें जो है समान काम का समान वेतन चाहिए। इसी काम के लिए आप नियमित कर्मी को जितना वेतन देते हैं उसी वेतन के अनुपात में मुझे भी वेतन NHNMR कर्मी को जो है वेतन भुगतान किया जाए। साथ ही हमको सुविधा जो आप देते हैं, जिस जगह कार्य करवाते हैं वह जगह जो है सुविधाविहीन जगह है, उस जगह जो है आप जो कार्य करवाते हैं वहाँ सभी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। महिलाओं को जहाँ रखा जाता है वहाँ शौचालय की व्यवस्था, वहाँ जो है आपको जो है साफ सफाई की समुन्नत व्यवस्था, रूम का बेहतर व्यवस्था, चूँकि चिकित्सा सुविधा से जुड़ा हुआ मामला है। जब हम लोगों को देखेंगे तो स्वच्छ जगह पर देखेंगे और यदि वह जगह गंदगी युक्त होगा तो लोगों को बीमारी ज़्यादा होगा, तो हमको जो है साफ सुथरा जगह चाहिए। साफ सुथरी अन्य चार अन्य मांगें भी है, उस मांग के लिए लड़ाई है। आज हम लोग कंबाइंड बिल्डिंग से निकलकर कचहरी होते हुए, घंटाघर चौक होते हुए स्टेशन चौक पर जो है उपस्थित होकर विरोध मार्च किया है। मशाल जुलूस के माध्यम से सरकार को यह चेताने का कार्य कर रहे हैं कि आप कुंभकर्णी निंद्रा से जगने का काम कीजिए। यदि आप नहीं जगेंगे तो इस आंदोलन को जो आप इस रूप में देख रहे हैं, इस आंदोलन को सभी तरह के संगठन के लोग जो है मदद करेंगे और आपको इनके मांगों पर विचार करना होगा और विचार करके इनके मांगों को पूरा करने का काम करना होगा। जिला सचिव श्याम नंदन सिंह, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट, ANMR के आंदोलन के सहयोगी और शुभचिंतक, इनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाला संगठन का नेता।